किस सरकार जब से बनी है 5 साल हो गए हैं, ये दूसरी पंचवर्षीय चल रही है। इन्होंने किसान आयोग गठन करने के लिए कहा था, लेकिन आज तक किसान आयोग का गठन नहीं किया है। देश की रीढ़ ही किसान है और किसान होने के नाते सक्रिय तो है ही, लेकिन सरकार को ये चेतावनी इस जागरूक यात्रा के माध्यम से देना चाह रहे हैं कि अभी भी समय है, जाग जाइए, आंखें खोलिए। ये जो प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला है, इसको तत्काल प्रभाव से उन अधिकारियों को चिन्हित करके उनको हटाया जाए, उनके ऊपर मुकदमे, उनको जेल भेजा जाए। किसान छुट्टा जानवरों से हमारे किसान इतना परेशान है, रात में बेचारे घर में सोना चाहिए, वो बेचारे खेतों में पड़े रहते हैं और पता नहीं कितने किसानों की जानें चली गई इसी जानवरों के पीछे। प्रशासन तंत्र तो इनका इतना भ्रष्ट हो चुका है, सुनने का नाम नहीं लेती है। कितनी एप्लीकेशनें जाती हैं, कितने चीज़ें जाती हैं, हर व्यक्ति लगा हुआ है। डेली हमारे लोग जो है थाने में जा रहे हैं, डेली हमारे लोग तहसीलों में जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं सतीश कांत। इस समय राजधानी लखनऊ में हूं और एक बड़ा स्तर पर आप पीछे तक के देख पा रहे तमाम किसान पद यात्रा लेकर के निकल चुके हैं और साफ तौर से पिछले 4 दिन से लगातार ये पद यात्रा चल रही है। 11 दिन की पद यात्रा है और पीछे देख रहे हमारे साथ में यहाँ किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं और किस लिए ये पद यात्रा निकल रही है। सर आपका स्वागत है। नाम सर आपका? अच्छा ऋषि जी, ये पद यात्रा क्यों निकाल दी आप लोगों ने? समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में इस सरकार से वर्तमान सरकार भी कहीं न कहीं अपने अधिकारियों पे अंकुश लगाने का काम नहीं कर पा रही है। शासन की तरफ से किसान शोषित आश्वासन ही इसके लिए पद यात्रा का कार्यक्रम किसानों को आश्वासन से बात नहीं बढ़ेगी और सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। इस तरह से आंखें अपनी खोले और जो भी प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके की रवैया अपना रहे हैं उनको दुरुस्त किया जाए, उनको सही किया जाए, जिससे कि किसानों को समस्याएं ना हो। अच्छा अभी तक के आप लगातार आप लोग सक्रिय थे, क्या कुछ समस्याएं लगातार किसानों को फील कर रहे हैं, मेजर समस्याएं क्या हैं? सक्रिय हम पहले भी थे, सक्रिय हम आज भी हैं और सक्रिय हमेशा रहेंगे, क्योंकि देश की रीढ़ ही किसान है और किसान होने के नाते सक्रिय तो है ही, लेकिन सरकार को ये चेतावनी इस जागरूक यात्रा के माध्यम से देना चाह रहे हैं कि अभी भी समय है, जाग जाइए, आंखें खोलिए। ये जो प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला है, इसको तत्काल प्रभाव से उन अधिकारियों को चिन्हित करके उनको हटाया जाए, उनके ऊपर मुकदमे, उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश का किसान शोषित वंचित सभी परेशान है। अच्छा लगातार किसान आयोग के गठन की भी बात होती है, किसान आयोग के गठन की जब बात होती है तो ऊपर सरकार आप लोगों से क्या बात करती है? सरकार सिर्फ आश्वासन के सिवा कोई काम नहीं करती है, सिर्फ आश्वासन और आश्वासन। प्रशासन तंत्र तो इनका इतना भ्रष्ट हो चुका है, सुनने का नाम नहीं लेती है। कितनी एप्लीकेशनें जाती हैं, कितने चीज़ें जाती हैं, हर व्यक्ति लगा हुआ है। डेली हमारे लोग जो है थाने में जा रहे हैं, डेली हमारे लोग तहसीलों में जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 11 दिन की आपकी पद यात्रा है, अभी तक कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं? हमारे साथ कम से कम पूरा जिले की पब्लिक जुड़ी हुई है, जिसको जिस समय टाइम लग जाता है आ जाते हैं। 50,000 लोग हैं, हर स्टेप पे हमारे साथ लोग रहते हैं। क्या लखनऊ से बाहर के भी लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी, तमाम किस किस जिले से लोग हैं यहाँ मौजूद? फिलहाल जिले का है और बाहर से भी लोग आते हैं, जरूरत पड़ने पर वो भी आ जाते हैं। अच्छा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लोग ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, अभी तक के कोई आप लोग के बीच में कोई समन्वय स्थापित हो पाया है ज्ञापन देने के लिए, क्या उसमें भी रोका जाएगा आप लोग को? अभी तक नहीं हुआ है, संभावना ये है कि होगा। आपसे ही बात कर ले सर, नाम क्या है? मनोज यादव। अच्छा मनोज जी, आपसे बात कर ले, यहाँ तमाम किसान हैं, आप लोग की भी रूट लेवल पे काफ़ी समस्याएं होती, कुछ समस्याओं से रूबरू कराएंगे हमें? समस्याएं किसान को लेकर के हैं, किसान की समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं हैं। किस सरकार जब से बनी है 5 साल हो गए हैं, ये दूसरी पंचवर्षीय चल रही है। इन्होंने किसान आयोग गठन करने के लिए कहा था, लेकिन आज तक किसान आयोग का गठन नहीं किया है। किसान छुट्टा जानवरों से हमारे किसान इतना परेशान है, रात में बेचारे घर में सोना चाहिए, वो बेचारे खेतों में पड़े रहते हैं और पता नहीं कितने किसानों की जानें चली गई इसी जानवरों के पीछे। इसलिए हम लोग, अगर किसान आयोग का गठन नहीं किया गया और छुट्टा जानवरों की समस्याओं का नहीं किया गया इसका प्रतिबंध, तो हम लोग इससे पहले भी कई बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, उच्च अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री तक गए हैं ज्ञापन,
लेकिन आज तक सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, सुनवाई नहीं। आप सही बात कर ले, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आपसे बात कर ले। पिछले चार दिन से आप लोग लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, कोई सरकार के तरफ से कोई आपके पास आया हो या सरकार की तरफ का कोई ऐसा बंदा जो आपके पास सरकार की बात लेकर आया हो? कोई आया ना कोई फोन आया अभी तक मेरे पास नहीं। मैं तहसील अध्यक्ष हूँ सरोजनगर का, भानु किसान यूनियन का, लेकिन कोई हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ किसी भी मामले में अभी। कोई संपर्क नहीं, नहीं, नहीं हुआ, कोई संपर्क नहीं। आप भी आगे आ जाइए, आपसे बात करूंगा। सर नाम, सर क्या आपका? अर्जुन सिंह नाम है मेरा। कहाँ पर रहते हैं आप? मैं बिजनौर चौराहे पर रहता हूँ। बिजनौर पर ही रहते हैं। अभी तक के सरकार से कोई भी मुलाकात नहीं हुई, अगले आने वाले समय में क्या लगता है सरकार से कोई भी मैसेज आपके तरफ आता है तो क्या पदयात्रा रोक दी जाएगी या 11 दिन तक लगातार चलती रहेगी? मैं तो हमारे सीनियर हैं, जैसा वो डिसीजन लेंगे वैसा होगा। इसमें मैं रोकने की और मैं नहीं कह सकता, हमारे सीनियर हमारे साथ में है, जैसा वो डिसीजन लेंगे वैसा किया जाएगा। तो परेशानी तो नहीं हो रही? परेशानी हमारी एक है मेन, मुझे एक कहना है कि जैसे राम रूपी हमारे बाबा कार्य कर रहे हैं तो उनकी जो सेना थी हनुमान जी और बाली जी जो भी, वो उन्होंने उनका साथ दिया तो राम लड़ाई जीते। इसी तरह से जो बाबा कर रहे हैं इनका साथ हमारे SDM है, तहसीलदार हैं, कोतवाल हैं, थानेदार हैं, ये इनका साथ नहीं दे रहे। ये पब्लिक को परेशान, हरासमेंट, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि राम रूपी बाबा का साथ देकर हमारा शासन प्रशासन उनका साथ दे तो हमारे देश की जनता कोई दुखी नहीं रहेगी, सार सुख संपन्न होंगे। अच्छा, 11 दिन के बाद की क्या प्लानिंग है? 11 दिन तक तो आप लोग लगातार पदयात्रा करके सरकार को एक बड़ा मैसेज देने वाले हैं, 11 दिन बाद क्या सोचते हैं, फ्यूचर क्या सोच रहा है? जैसे हमारे सीनियर डिसीजन लेंगे आगे का प्लान क्या है, क्या हमारे ऐसे है तो जैसे सीनियर से ही पूछ लेते, 11 दिन के बाद का सर प्लान क्या है आप दोनों का? प्लान पहले आपसे। देखिए 28 फरवरी को जी, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कह रखा है कि हनुमान सेतु पर हमारी इस यात्रा का समापन होगा और वहाँ पर कम से कम 50,000 से 1,00,000 के बीच के किसान भाइयों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। यही जागरूक यात्रा है हमारी। आज हम लोग कल्ली ग्राम सभा में हैं, अब बिजनौर जाएंगे, बंथरा जाएंगे, काकोरी, मलिहाबाद, बख्शी तालाब, मतलब पूरे जनपद के किसानों को हम जागरूक करने निकले हैं। और वहाँ पर हमारी मांग होगी कि हनुमान सेतु पे प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आएँ और अपने हाथों से उस ज्ञापन को हमारे किसानों को सुने, समझें, उनको भी कम से कम पता चले कि क्या क्या हो रहा है प्रदेश में। क्योंकि कुछ ऐसे अधिकारी हैं, चाटुकार अधिकारी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि प्रदेश में बहुत अच्छा सब चल रहा है, तो जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच में आएंगे तो कम से कम वो भी दर्द देखेंगे और समझेंगे। अच्छा, 11 दिन के अंदर की तो प्लानिंग हो गई, आगे फ्यूचर क्या देख रहे? फ्यूचर पे बात नहीं कर रहे, फ्यूचर क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? फ्यूचर की प्लानिंग फ्यूचर पे ही है। अभी 11 दिन के बाद हम लोगों का, जब मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो अब उनको, उनसे हमको आश्वासन मिलता क्या है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के बाद ही कोई डिसीजन लेंगे जी। अच्छा, ये यात्रा क्या लखनऊ में ही चल रही, राजधानी में, या फिर इसके अलावा भी कहीं भी चल? आगे भी चल सकती है, कहीं और भी तो चल रही है, ये यहीं पे चल रही है, इसके अलावा लखनऊ में ही चल रही है, लखनऊ से शुरुआत जी, यहीं से शुरुआत है। थैंक यू। तो देखिए, राजधानी लखनऊ से ये पदयात्रा की शुरुआत हो गई। भारतीय किसान यूनियन भानु के तमाम पदाधिकारी थे और पीछे तक के तमाम किसान हैं जो अपनी आवाज उठा रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं कि सरकार से बात होगी। अब देखने वाली बात होगी 11 दिन का जो प्लानिंग कर रखी है ये पदयात्रा की, पदयात्रा में जो बातें जो निकल करके सामने आ रही किसान क्या कुछ करने वाले हैं। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं सतीश कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।